बड़ा मलहरा में कांग्रेस विधायक राम सिया भारती के कथित भाई तुलसी लोधी पर गुंडागर्दी और मारपीट के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छतरपुर से बड़ा मलहरा के कांग्रेस विधायक राम सिया भारती के कथित भाई तुलसी लोधी के खिलाफ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि तुलसी लोधी ने ब्यूटी सैलून संचालक गोविंद सेन के साथ बेवजह मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने विधायक के भाई और विधायक के ड्राइवर चाली यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं अपनी सैलून की दुकान पे 3 बजे बैठा हुआ था, 2 लोग आए तो उनने बोला कि भाई साहब ने बुलाया है। मैंने कहा कौन भाई साहब हैं, तो बोले चलो यहीं स्टैंड तक चलना है, वहाँ तक लेके आए और एक ने मेरे हाथ पकड़े, एक ने मुझे मार दिया गाल पे। वो विधायक के भैया थे तुलसी लोधी और बोल रहे थे कि तुम लोग गुंडागिरी कहते हो गांव में, तो मैं देख लूँगा तुमको, जान से मार दूंगा साले हो, अगर नग्गा हो नाव की तरह रहो। आज हमारे भैया हैं बड़े, यहाँ एक जने बुला दिया, हमने चलो वहाँ पे स्टैंड पे, तो भैया चले आए, उसके बाद में उनने मारपीट करी, उनके संगे भैया मारता है दुकान तक, तो फिर हमें भी मारो संगे। बाजना के ग्राम छायन का मामला है और इसमें फरियादी गोविंद सिंह आए कि उनकी एक दुकान है जिसमें 2 व्यक्ति ने उनके साथ आकर के पुरानी बात को लेके मारपीट करी, विवाद किया है। इसको हमने तस्दीक किया और इसमें हमने FIR रजिस्टर्ड कर ली है BNS के सेक्शन 296 115 235 2 इनके तहत केस रजिस्टर्ड, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।